हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो हम लोगों ने स्टूडेंट इसके पहले वाले लेक्चर में पूरे फॉर्मेट, पोस्टिंग के ट्रिक प्लस एडजस्टमेंट हम लोगों ने देखा था। आई होप आप लोग ने उस लेक्चर को देखा होगा, क्योंकि उसके अंदर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पूरा आप सीख जाओगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल एक सम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सम है। इस टाइप का मैं एक सम आपको सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर कन्फर्म हो जाएगा कि किस तरीके से आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है। वो भी सिंपल और एकदम इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आपके पास पेपर होना चाहिए, अगस्त 2023 का पेपर। अगस्त 2023 के पेपर का मैं सम आपको रीड करता हूँ, कैसे सॉल्व करना वो भी बताता हूँ। आप लोग भी फोटो ले लो, तुम लोग इसमें फोटो ले लो अच्छा जल्दी से। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, सम को हम लोग रीड करेंगे और हर एक आइटम का वन इफेक्ट होता है। जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा उसके बाजू में आप लोग टीडी लिख लेना, जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा उसके बाजू में टीसी लिखना, जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा उसके बाजू में पीडी लिखेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा पीसी लिखेंगे, और जो असेट्स में जाएगा ए लिखेंगे, लायबिलिटीज में जाएगा एल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सीमा एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। बोलता है यहाँ पर कि सीमा और विवेक क्या है, पार्टनर है और आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं, 1:1 में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और आपको उस डेट का बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट एज ऑन 31 मार्च 2020 का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड के आइटम हम लोग डेबिट साइड में ही पोस्टिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया स्टॉक दिया है, तो मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस के अंदर जो स्टॉक रहता है वो कौन सा स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी, यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी दिया, वेजेस नाम पहले आया है, वेजेस कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। डेटर कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। परचेस जो रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। मोटर कार असेट्स में। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बिल्डिंग असेट्स में जाएगा। बैंक बैलेंस असेट्स में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, इसमें ब्रैकेट में आपको जब मंथ कभी लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, तो समझ जाने का हिडन एडजस्टमेंट है। तो इसको लिखते समय इसके नीचे एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 9 महीने का दिया है, हम लोग को 12 महीने का देना पड़ता है। जो भी हम लोग ये सब आइटम इसके अंदर लिखते हैं वो 12 महीने का होता है। तो इसमें आपको 9 महीने का लिख के दिया, मतलब बाकी हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके नीचे एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे। ऑडिट फीस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड में। परचेस रिटर्न परचेस में से लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया, तो इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट मैंने बताया था, एक ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मोटर कार बोला, तो बिल्डिंग और मोटर कार को टिक मार्क करना, एक इफेक्ट हम लोग उसमें से लेस करेंगे। दूसरा, मेरे असेट्स का वैल्यू कम हुआ तो हमारे लिए लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिख देंगे। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, एक डेटर में से लेस होगा, बैड डेब्ट्स में को हम लोग डेटर में से क्या करते हैं, लेस करते हैं। दूसरा, हमारे लिए लॉस हुआ तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इसको न्यू बैड डेब्ट्स बोलते हैं। आगे लिखा प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस से हम लोगों ने एडवांस में एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एडवांस में वेजेस दिया, तो वे प्रीपेड हमेशा क्या होता है, लेस होता है। तो हम लोग एक इफेक्ट लेस कर देंगे, वेजेस में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दूसरा, हम लोगों ने एडवांस में देकर रखा था, हमारे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा, तो असेट्स में लिख देंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, तो एक इफेक्ट इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। दूसरा, मिलने वाला तो हमारे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा, ठीक है। तो हमारे इंटरेस्ट को भी टिक मार्क कर देना आप लोग, और वेजेस को टिक मार्क कर देना, डेटर को टिक मार्क कर देना, और बाकी जो भी आइटम था, ठीक है। तो पहले हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं, एक एक आइटम बोलो। पहला आइटम क्या दिया है, स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, इसको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाके लिख देने का, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है, 65,000। यहाँ पर हम लोग परचेस लिख कर छोड़ देंगे, परचेस
लेस परचेस रिटर्न, लेस परचेस रिटर्न ये लिखकर छोड़ देना, बाद में अमाउंट लिखेंगे। ऐसे क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिख के रखने का और लेस सेल्स रिटर्न लिखकर छोड़ देने का। चलो अभी स्टॉक के बाद दूसरा आइटम क्या दिया था, वेजेस एंड सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट भी था, तो हम लोग इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। टू वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएगा। कितना अमाउंट है? 9000 है। नीचे एक लाइन छोड़ देना क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आइटम क्या है? डेटर असेट्स में जाएगा, असेट्स में लिखने का, नीचे एक लाइन छोड़ देने का। ठीक है, तो डेटर को हम मैं जाकर यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे एक लाइन छोड़ दूंगा। डेटर अमाउंट कितना? डेटर का 1,32,000। नेक्स्ट आइटम बैड डेब्ट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखने का और उसके नीचे दो तीन लाइन छोड़ देने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा इधर से चालू हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इधर पे बाद में और आइटम लिख दूंगा, तो यहाँ पर एक साथ में लिखता हूँ। टू बैड डेब्ट्स लिखेंगे, कितना बैड डेब्ट्स है? कितना दिया बैड डेब्ट्स? 1,000। इसके नीचे दो तीन लाइन छोड़ देना न्यू बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स करने के लिए। ठीक है, अगला आइटम परचेस जो रहेगा वो कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। तो देखो परचेस हमने ऑलरेडी लिख कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, जाके जस्ट हम लोग क्या कर देंगे, अमाउंट लिख देंगे। कितना है? 1,48,000। नेक्स्ट मोटर कार असेट्स में जाएगा, तो हम लोग जाके इसको मोटर कार एडजस्टमेंट है क्या मोटर कार पे? मोटर कार का अमाउंट कितना है? मोटर कार का अमाउंट कितना है? 68,000। नेक्स्ट बोलो, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है, अमाउंट कितना है? 2000। यहाँ पर 2000 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस करना है, हम लोग को याद रहे। नेक्स्ट आइटम बिल्डिंग असेट्स में जाएगा, एडजस्टमेंट है क्या बिल्डिंग के ऊपर? नहीं है, बिल्डिंग ऊपर एडजस्टमेंट है, अमाउंट कितना है? 5,000। नेक्स्ट आइटम बैंक बैलेंस भी कहाँ पे आएगा? असेट्स में आएगा, आउटर कॉलम में लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट असेट्स में जाएगा, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात पेड फॉर 9 मंथ एडजस्टमेंट है। किसकी बात कर रहे हैं? एडजस्टमेंट है सर, बिल्डिंग बैंक बैलेंस पर एडवर्टाइजमेंट है ना, तुम इन्वेस्टमेंट क्यों पढ़ रहे हो? एडवर्टाइजमेंट उच्चा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा और उसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता है। ठीक है, 9 मंथ लिखा है मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखो। कितना अमाउंट है एडवर्टाइजमेंट का? कितना अमाउंट है? 4,000। नीचे क्लाइन छोड़ देना क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, अगला आइटम ऑडिट फीस भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। एडजस्टमेंट नहीं है ना? नहीं, नहीं है तो क्या हम लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, एडजस्टमेंट है नहीं। कितना अमाउंट है? 3,000 है। नेक्स्ट आइटम कैपिटल, पार्टनर्स का नाम क्या दिया है? सीमा एंड विवेक ने। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीमा का कितना है? 1,60,000। दूसरे का 1,20,000। नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर लायबिलिटीज में आता है, तो लायबिलिटीज में यहाँ पे जाके लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा लायबिलिटीज से यहाँ पर ऊपर लाइन छोड़ के क्रेडिटर लिख देते। कितना अमाउंट है क्रेडिटर का? 78,000। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स,
क्रेडिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के, कितना अमाउंट है? 1,84,200 नेक्स्ट परचेस रिटर्न बच्चा परचेस में से लेस होता है तो यहाँ पर लिख दो कितना अमाउंट है 4,000 है 4,000 नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया था हमारे लिए इनकम रहेगा प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना है 1,800 नेक्स्ट नहीं है अभी हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक हमारा फेवरेट एडजस्टमेंट हर एक सब में आता है दो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक ठीक है क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 40,000 इसका दूसरा इफेक्ट एक ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आया दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में तो असेट साइड में जाके यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 40,000 40,000 डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट 5% तो बिल्डिंग का 5% डेप्रिसिएशन 5% तो 75,000 का डेप्रिसिएशन निकालो 5% यदि 10% इसका 7,500 होता है तो इसका 5% कितना आएगा कैलकुलेट करो 3,750 आएगा तो 3,750 इसमें से माइनस करो 75,000 में से 3,750 माइनस करके आउटर कॉलम का अमाउंट देखो कितना आएगा 71,250 आ जाएगा अभी अमाउंट इतने से मेरा असेट्स का वैल्यू कम हुआ ना और भी किसी का डेप्रिसिएशन बोला था ना और किसका डेप्रिसिएशन है मोटर कार का 3% है तो मोटर कार में से लेस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन 3% निकालो अभी इसका 3% हो सकता है आपको नहीं निकालने आएगा कैसे निकालने का 68,000 लिखने का इंटू 3 डिवाइड बाय 3 करो कितना 2040 तो 2040 करो कितना आता है 65,960 हाँ ठीक है अभी इसका हम लोग ने एक इफेक्ट तो असेट्स में से लेस कर दिया और इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग जाके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखकर लिख देते हैं तो डेप्रिसिएशन किसका किसका डेप्रिसिएशन हुआ है बिल्डिंग का है मोटर कार का है 2040 और बिल्डिंग का है 3,750 ये भी एडजस्टमेंट हो गया नेक्स्ट क्या दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,800 मतलब डेटर हमारा 1,800 रुपए पैसा डुबाने वाला है ठीक है बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स होने वाला है तो न्यू बैड डेट्स को हम लोग डेटर में से लेस करेंगे लेस न्यू बैड डेट्स -1,800 करो कितना आएगा
1,30,200। इसमें सब में से प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चा, यहाँ पे 1,32,500 ही है। कितना आएगा? 1,30,000। तो 1,30,700 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। अभी यहाँ पर 1,800 रुपये न्यू बेड डेप्स हुआ, ये बेड डेप्स के अंदर जाके ऐड कर देने का, ऐड न्यू बेड डेप्स, ऐड न्यू बेड डेप्स। कितना? नहीं 1,800 था ना, न्यू बेड डेप्स 1,800 था। और न्यू आरडीडी भी है क्या? नहीं है ना। इसका टोटल मार्क हम लोग डायरेक्टली 2,800 आउटर कॉलम में निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, वेजेस को उन्होंने ज्यादा पे करके रखा है। तो वेजेस कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट्स में है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स में से वेजेस में से पहले लेस कर देंगे प्रीपेड को। देखो उन्होंने एक लाइन छोड़ के रखा है यहाँ पर, तो लेस प्रीपेड वेजेस। कितना एक्स्ट्रा है हम लोगों ने देके रखा है? 700। तो 9,000 में से 700 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 8,300। 700 रुपये हमने एडवांस देके रखा था, हमारे लिए असेट्स रहेगा। क्या रहेगा? असेट्स रहेगा, बैलेंस शीट असेट्स में लिख देंगे। प्रीपेड कितना? 700। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है? इंटरेस्ट रिसीवेबल 900, मतलब मिलने वाला है, ठीक है। तो इंटरेस्ट देखो हम लोग यहाँ पर लिख के रखे हैं क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के। और आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें ऐड कर देने का। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड होता है, मैंने बताया था। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या रिसीवेबल इंटरेस्ट लिखोगे तो भी कितना अमाउंट है? कितना? 900। तो ये 2,700 हो जाएगा। अभी 900 हम लोग को मिलने वाला, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। इसका दूसरा इफेक्ट जो रहेगा वो जाके हम लोग असेट्स में लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना अमाउंट था बच्चा? 900। ठीक है, ये हो गया, सब एडजस्टमेंट हो गया। अभी वो हिडन एडजस्टमेंट करना हम लोग को बाकी है, ठीक है। ये दिया एडवर्टाइजमेंट दिया था 4,500 9 मंथ का है। कितने मंथ का है? 9। और ये अकाउंट पूरा कितने महीने का होता है? 12 महीने का। कितने महीने का होता है? 12 महीने का। इससे पता चल रहा है कि 9 मंथ का दिया, मतलब 3 महीने का कम दिया हुआ। कितने महीने का कम है? 3 महीने का। तो हमको 3 महीने का निकालना पड़ेगा कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं। 4,500 दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग को कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का। तो पहले इसको 9 महीने, 4,500 कितने महीने का है? नहीं, 9 महीने का दिया है ना, तो पहले इसको 9 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा उसको इंटू 3 कर दो, तो 3 महीने का पता चल जाएगा। कितना? 1,500 आ जाएगा। ये 1,500 आ जाएगा, मतलब 1,500 आउटस्टैंडिंग है। हम लोगों ने 9 महीने का 4,500 दे के रखा है, तो 3 महीने का कितना? 1,500 बाकी है, मतलब तो आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें जाके ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। 1,500 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6,000। अभी ये देना बाकी, तुम्हारे लिए लायबिलिटीज रहेगा, लायबिलिटीज रहेगा लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। अभी सब एडजस्टमेंट के साथ हो गया है, अभी सिर्फ जो जो इनर कॉलम में अमाउंट है ना उसको आउटर कॉलम में निकालना, उसके बाद टैली करेंगे। ये 1,48,000 है, माइनस 4,000 करेंगे तो 1,40,000, और ये 1,84,200 से इसमें 2,000 माइनस कर देंगे तो 1,82,200 हो जाएगा ना। अभी ये राइट हो गया, डन, पूरा सब कुछ हो गया सबका। हम लोगों ने कोई अंदर तो नहीं रखा अमाउंट? नहीं, सब आउटर में निकाल दिया, ठीक है। अभी टैली करने का, दोनों साइड का टोटल मारने का कि कौन से साइड का ज्यादा है, चेक करो। क्या
कितना क्रेडिट सेट का कितना आ रहा है? 2,22,200 सारे क्या क्रेडिट सेट का ज्यादा है? 2,22,200 इसको दोनों साइड लिखने का 2,22,200 इसमें से माइनस कर दो, यहां पर जो डिफरेंस आएगा इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलने का, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 2,22,200 में से ये सब अमाउंट माइनस कर देना, कितना आ रहा है? 4,900 हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पे लिखने का, ठीक है, इस साइड आए तो यहां पे ट्रांसफर कर देने का, और यहां पर लिखेंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,900, ठीक है। एक कैरी डाउन था, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। फिर इसका टोटल मारो प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से साइड का ज्यादा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का ज्यादा है या फिर डेबिट साइड का ज्यादा है? डेबिट साइड का ज्यादा है, कितना आ रहा है डेबिट साइड का? 6,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,800 प्लस 2,040 22,590 हाँ, तो दोनों साइड जाके लिख देंगे 22,590 22,590 अभी 22,590 में से एक क्रेडिट साइड वाला 4,900 माइनस कर दो, 2,700 माइनस कर दो, 14,990 तो हमारा लॉस आ गया। 14,000 कितना है? 290 ये आ जाएगा बाय नेट लॉस, और ये दोनों पार्टनर्स को दे देने का, सीमा को भी और किसको, विवेक को। अभी कैसे देंगे, लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 दिया था ना, मतलब इक्वल ही है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, इक्वल निकालना था, अदरवाइज कुछ अलग रहता तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको आ जाएगा 7,495, ठीक है। अभी यहां पर आया तो इसको यहां पे ट्रांसफर करेंगे, 2 नेट लॉस, ये आ जाएगा 7,495 7,495। अभी इसका टोटल मारेंगे तो क्रेडिट साइड का ही ज्यादा दिख रहा है, 1,20,000 दोनों साइड लिखेंगे, 1,20,000 1,60,000 1,60,000 इसमें से माइनस करो, इतना देखो कितना कितना आता है, इसको लिखने का 2 बैलेंस कैरी डाउन, इसका 1,12,505 और इसका 1,52,505 1,52,505 अभी इसको जाके ना यहाँ पर कैपिटल के तौर पे लिखने का, ये यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल लिखकर ये दोनों का अमाउंट लिख देंगे, सीमा सीमा का अमाउंट आ जाएगा 1,52,505 और दूसरे का आ जाएगा विवेक 1,12,505। अभी ये दोनों का टोटल मार के आउटर कॉलम में निकालो कितना आता है, अभी टोटल मारो, देखो ये दोनों साइड का टैली हो रहा है क्या, दोनों साइड का इक्वल आ रहा है क्या, आएगा टैली देखो एक बार, जल्दी से करो टैली करो,
कितने पे टैली हुआ? 344,510 3,44,510 जल्दी सिस्टम नोट डाउन कर लो आप लोग, हाँ फोटो भी ले लो, मैं इधर से कर देता हूँ, जो लोग ऑनलाइन रहेंगे उनको भी। अरे काम है ऐसे हम लोग।